हेक्सरेज मूवी के फैक्टोर रिव्यू हेक्सरिज मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्री नाइट्स और रॉबर्ट सेक्स कॉन द्वारा लिखी 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनेडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित कंसीफिया सीरियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेसमस डोस के विश्व युद्ध के अनु भाव पर केंद्रित है और अमेरिकी मुका मुकाबला चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेटिस्ट से ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्नियात्र को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्य निष्ठ अपेक्षाकर्ता बने जो ओकिनावा की लड़ाई के दौरान हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर होगो विविंग्स वी, ग्रिस ग्रिफि और विनस वॉन के हाँ साथ एंड्रू गारफिल्ड्स डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्सन ने, ने किया है फिल्म की कटपेट कथा रॉबर्ट से कॉन्स एंड्रू नाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट है डेरी बेनेडिक्स से पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलिवर है और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीति किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरिशा पाम पामर ने हंगोविविंग ने राहल ग्रिफ ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित है जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्रा, क्रांस फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनियम्स फिल्म पर मूड प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन है। वितरित किया गया लाइस लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने में। एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वेनिश में तीन सितंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकन सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सारिज को संयुक्त राज्य अमेरिका चार नवंबर दो हज़ार की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और गिब्बस ने गिब्सन के निर्देशन और गारफिल्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिब्बसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सर को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुई फिल्म को वे अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित छः औषकर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गार्फिल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफिल्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक ने, नेताई बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया उन्नीस में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डेसम्स दे, डोस ने खरदूरेपन के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवे एडवेटिस्ट पालन घोषणा के तू हत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोश एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी छुट्टे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोस डोरोथी को चिकित्सा चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डॉस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट हो होवेल की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में इस रखा है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण में के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की इकाई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोवर और डे जेल के जेल में डोस से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तो उसे ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया जा सके लेकिन डोस अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डरोती विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवेंटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा नावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहत देगी जिसमें माई जिसमें माइडा इसके इस्केपरमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस एक्वाडमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने इस्माइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावार किया और अमेरिकों को को ढलान के भाग दिया इसमिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस डोस हो, होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर ने डोस को मान्यताओं को कार्यता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिज पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है, है कि लेकिन जब तक वे अपने सब की प्रार्थना प्रार्थना पर समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाई गई हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काट कर ग्लोवर गुल, और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया है लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने, ने उसे जो बलिदान दी थी उसे उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर स्क्विश करती है जो एक दिखाई गई है कि डॉस को हक्सारिज में 75 सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रूमैनस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर्स से सम्मानित किया गया था साथ ही डॉस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटो युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं फैंकना में बताया जाता है कि डॉ डोस के रूप में ने गर्लफ्रेंड किरदार हेक्सरेज मूवी के फैक्टोर रिव्यू एक्सरिज मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्रयू नाइट्स और रॉबर्ट सेक्स कॉन्स द्वारा लिखी 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनेडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित द सीरियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेस्मस डोस के द्वितीय युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी सन्तीवादी मुका मुकाबला चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेस्टिस्ट सी ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्निहत्र को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्यनिष्ठ अपेक्षाकर्ता बने जो ओकी नावा की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर होगो विविंग्स वी, ग्रिस ग्रि, ग्रिफि और विनस वॉन के साथ एंडियो गार्ली गारफिल्ड्स डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कर्पेटकथा रॉबर्ट से कॉन्स यूनाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट हैं डेरी बेनेडिक्स डिक्स हैं पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलिवर हैं और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीति किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरेशा पाम पामर ने हुंग ने राहिल ग्रिफ, ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित हैं जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन, विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्रा, क्रांस फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनियम्स फिल्म मूड प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन वितरित किया गया लाइसन लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वेनिश में तीन सितंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकर सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सर को संयुक्त राज्य अमेरिका के चार नंबर 2016 की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और ने गिब्सन के निर्देशन और गारफिल्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिबसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सरिज को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कारों और नामांकन प्राप्त हुए फिल्म को नवासीवें अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित छह औषकर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गारफिल्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सबसे मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफिल्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक ने, नेताई बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया 1925 में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डेसमंड्स दे, डोस ने खरदुरपन के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवेटिस्ट एड़े, पालन घोषणा के दुहत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोश एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी छूटे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोस डोरोथी को चिकित्सा चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डॉस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट होवेल हो की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में रखा गया है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण श्रमी के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की इकाई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोबर ओडेर डोरोथी जेल जेल के जेल में से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया सके लेकिन अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डेरोती विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवेंटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहद देगी जिसमें माई, जिसमें माइडा इसके इसके परमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस एक्वाडमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने इस्माइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावार किया और अमेरिकों को को ढलान के भाग दिया स्मिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस डोस होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर ने डोस को मान्यताओं को कार्यता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिज पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है कि लेकिन जब तक वे अपनी सब प्रार्थना प्रार्थना पर समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाई गई हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काटकर ग्लोवर गोल, और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने अपने डेरोथी ने उसे जो बलिदान दी थी, थी उसे पड़ उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर स्क्च करती है जो एक दिखाई गई है कि डोस को हक्सरिट्स में सेवेंटी फाइव सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रोमैनस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था साथ ही डोस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटोज युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं एक बताया जाता है कि डो दो, डेसमंट डोस के रूप में एंड्रयू एंड्रू ने किरदार हेक्सरेज मूवी के फैक्टोर रिव्यू मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्रयू नाइट्स और रॉबर्ट कॉन द्वारा लिखी 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनेडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित वृत्तचित्रित कंसिफिया सीवियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेसमस के द्वितीय युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी मुकाबला चिकित्सक जो सातवें दिन के सी ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्नियात्र को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्य अपेक्षाकर्ता बने जो ओकीनावा की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर होगो विविंग्स वी, रांचल ग्रिफि और विनस वॉन के साथ एंड्री गार्ली गारफिल्ड्स डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कथा रॉबर्ट से कॉन्स एंड नाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट है डेरी बेनेडिक्स से पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलीवर है और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीति किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरेशा पाम पामर ने हुगोविविंग ने राहिल ग्रिफ, ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित है जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्रा, फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनियम्स फिल्म पर मूट प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन है वितरित किया गया लाइस लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वैनिश में तीन सितंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकर सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सर रिज को संयुक्त राज्य अमेरिका के चार नवंबर 2016 की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और गिब्बस ने गिब्सन के निर्देशन और गारफिल्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिबसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सरिज को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कारों और नामांकन प्राप्त हुए फिल्म को नवासीवे अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र शहीद छह औषकर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गार्फिल्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफील्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताई ने, बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया उन्नीस में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डेसमंडस दे, डोस ने खरदूरेपन के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवे एडवेटिस्ट पालन घोषणा के तू हत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोस एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी शूटे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोश डोरोथी को चिकित्सा इस कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आता है और डोस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेसमंड देस्म, और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट होवेल हो की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में इस रखा है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण श्रमी के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की इकाई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोवर और डे डोरोथी जेल के जेल में डोस से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तो उसे ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया जा सके लेकिन डोस अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डेरोथी विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवनटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा नावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहत देगी जिसमें माई, जिसमें माइडा इसके, इसके परमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस अपनेमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने इस्माइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावर किया और अमेरिकों को ढलान को के भाग दिया शमिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस हो, होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर डोस को मान्यताओं को कार्यता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिज पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है, है कि लेकिन जब तक वे अपनी सब की प्रार्थना प्रार्थना पर समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाए गए हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काटकर गोल ग्लोवर और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया है लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने अपने डेरोथी ने उसे जो बलिदान दी थी, थी उसे उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर स्कूच करती है जो एक दिखाई गई है कि डोस को में हक्सर सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रूमेंस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था साथ ही डोस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटोज युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं फैंकना में बताया जाता है कि डोस डोस के रूप में एंड्रयू एंड्री ने किरदार हेक्सरेज मूवी के फैक्टोर रिव्यू इज मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्रू नाइट्स और रॉबर्ट सेक्स कॉन द्वारा लिखी 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनेडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित सीरियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेसमस डोस के द्वितीय युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी सेंतिवादी मुकाबला मुका चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेटिस्ट सी ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्नि यात्र को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्यनिष्ठ अपेक्षाकर्ता बने जो ओकिनावा की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन, ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर होगो विविंग्स वी, ग्रिस ग्रिफि और विनस वॉन के हाँ साथ एंडियो गार्ली गारफिल्ड्स डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कर्पेटकथा रॉबर्ट से कॉन्स यूनाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट हैं डेरी बेनेडिक्स से है पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलिवर हैं और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीती किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरेशा पाम पामर ने हुंग ने राहिल ग्रिफ, ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित हैं जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्राउंस फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम फिल्म वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनीम्स फिल्म पर मूड प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन है। वितरित किया गया लाइस लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने में। एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वेनिश में तीन सितंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकड़ सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सारिज को संयुक्त राज्य अमेरिका चार नवंबर दो हज़ार की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और गिब्बस ने गिब्सन के निर्देशन और गारफिल्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिब्बसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सर को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुई फिल्म को वे अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित छह औषकर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गार्फिल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफिल्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताई ने, बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया उन्नीस में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डेसम्स दे, डोस ने खरदूरेपन के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवे एडवेटिस्ट पालन घोषणा के हत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोश एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी छुट्टे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोस डोरोथी को चिकित्सा चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डोस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट हो होवेल की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में रखा है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण श्रमी के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की इकाई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोवर और डे जेल के जेल में डोस से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तो उसे ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया जा सके लेकिन डोस अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डेरोथी विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवेंटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा नावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहत देगी जिसमें माई, जिसमें माइडा इसके इस्केपरमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस एक्वाडमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने इस्माइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावार किया और अमेरिकों को को ढलान के भाग दिया इसमिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस डोस हो, होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर ने डोस को मान्यताओं को कार्यत्ता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिज पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है, है कि लेकिन जब तक वे अपने सब की प्रार्थना प्रथा प्रार्थना पर समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाई गई हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काट कर गोल ग्लोवर और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया है लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने, ने उसे जो बलिदान दी थी उसे उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर स्क्च करती है जो एक दिखाई गई है कि डोस को हक्सर रिज्स में सेवेंटी फाइव सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रोमेंस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था साथ ही डोस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटोज युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं में बताया जाता है कि डेसमंट डोस के रूप में एंड्रयू ने ने किरदार एक्सरेज मूवी के फैक्टोर रिव्यू एक्सरेज मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्रयू नाइट्स और रॉबर्ट से कॉन द्वारा लिखी 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनिडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित दीवियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेसमस डोस के द्वितीय युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी वादी मुका मुकाबला चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेटिस्ट सी ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्निहत् को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्य अपेक्षाकर्ता बने जो ओकिनावा की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर होगो विविंग्स वी, ग्रिस ग्रि, ग्रिफि और विनस वॉन के साथ एंड गार्ली गारफिल्ड्स डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कर्पेटकथा रॉबर्ट से कॉन्स यूनाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट हैं डेरी बेनेडिक्स डिक्स हैं पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलिवर हैं और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीति किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरेशा पाम पामर ने हुंग ने राहिल ग्रिफ, ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित है जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन, विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्रा, क्रांस फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनीयम्स फिल्म पर मूड प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन वितरित किया गया लाइसन लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वेनिश में तीन सितंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकर सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सर रिज को संयुक्त राज्य अमेरिका के चार नंबर 2016 की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और ने गिब्सन के निर्देशन और गारफिल्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिबसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सरिज को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कारों और नामांकन प्राप्त हुए फिल्म को नवासीवें अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित छह औषकर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गारफिल्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुई जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफिल्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताई ने, बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया 1925 में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डोस दे, ने खरदुरेपन के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवे एडवेटिस्ट पालन घोषणा के तू हत्या नहीं करेगा आग्या से देस, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोस एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी छुट्टे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोरोथी को चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हरबल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डॉस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट होवेल हो की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में रखा गया है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण श्रमी के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की इकाई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोबर ओडेर डोरोथी जेल जेल के जेल में से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया सके लेकिन अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डेरोती विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवेंटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहद देगी जिसमें माई, जिसमें माइडा इसके इसके परमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस एक्वाडमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने सा इसमाइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावार किया और अमेरिकों को को ढलान के भाग दिया स्मिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस डोस होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर ने डोस को मान्यताओं को कार्यता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिज पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है कि लेकिन जब तक वे अपनी सब प्रार्थना प्रार्थना पर समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाई गई हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काटकर ग्लोवर और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने अपने डेरोथी ने उसे जो बलिदान दी थी, थी उसे पड़ उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर स्क्च करती है जो एक दिखाई गई है कि डोस को हक्सा रिट्स में सेवेंटी फाइव सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रोमैनस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था साथ ही डोस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटोज युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं फैंकना में बताया जाता है कि डो दो, डेसमंट डोस के रूप में एंड्रयू एंड्रियो ने, ने किरदार हेक्सरेज मूवी के फैक्टोर रिव्यू एक्सरिज मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्रयू नाइट्स और रॉबर्ट सेक्स कॉन द्वारा लिखित 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनेडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित द कंसिफिया ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेसमस डोस के द्वितीय युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी मुका मुकाबला चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेटिस्ट से ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्नियात्र को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्य अपेक्षाकर्ता बने जो ओकिनावा की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर होगो विविंग्स वी, ग्रिस ग्रिफि और विनस वॉन के साथ एंड्री गार्ली गारफिल्ड्स डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कटपेट कथा रॉबर्ट से कॉन्स एंड नाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट है डेरी बेनेडिक्स से पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलीवर है और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीति किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरिशा पाम पामर ने हुगोविविंग ने राहिल ग्रिफ, ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित है जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्रा, फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनियम्स फिल्म पर मूट प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन वितरित किया गया लाइस लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वैनिश में तीन सितंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकर सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सर रिज को संयुक्त राज्य अमेरिका के चार नवंबर 2016 की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और गिब्बस ने गिब्सन के निर्देशन और गारफिल्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिबसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सरिज को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कारों और नामांकन प्राप्त हुए फिल्म को नवासीवे अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र शहीद छह औषकर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गार्फिल्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफील्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताई ने, बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया उन्नीस में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डेसमंडस दे, डोस ने खरदूरेपन के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवे एडवेटिस्ट पालन घोषणा की हत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोस एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी शूटे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोश डोरोथी को चिकित्सा चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डोस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट होवेल हो की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में इस रखा है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण श्रमी के माध्यम से डोस को पीड़ा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की कई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोवर और डे डोरोथी जेल के जेल में डोस से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तो उसे ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया जा सके लेकिन डोस अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डेरोथी विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवनटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा नावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहत देगी जिसमें जिसमें माई माइडा इसके, इसके परमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस इक्वाडमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने साई इस्माइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावर किया और अमेरिकों को ढलान को के भाग दिया शमिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस हो, होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर अपने डोस को मान्यताओं को कार्यता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिज पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है, है कि लेकिन जब तक वे अपने सब की प्रार्थना प्रथा प्रार्थना समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाई गई हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काट कर ग्लोवर गुल, और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया है लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने, ने उसे जो बलिदान दी थी उसे उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर करती है जो एक दिखाई गई है कि डोस को में अक्सर सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रूमेंस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था साथ ही डोस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटोज युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं फैंकना में बताया जाता है कि डो डोस के रूप में एंड्रयू एंड्री ने किरदार हेक्सरेज मूवी के फैक्टोर रिव्यू हेक्सरिज मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्री नाइट्स और रॉबर्ट सेक्स कॉन द्वारा लिखित 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनेडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित सीरियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेसमस डोस के द्वितीय युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी सेंतिवादी मुकाबला मुका चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेटिस्ट सी ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्नि यात्र को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्यनिष्ठ अपेक्षाकर्ता बने जो ओकिनावा की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर होगो विविंग्स वी, रांचल ग्रिफि और विनस वॉन के हाँ साथ एंडियो गार्ली गारफिल्ड डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कथा रॉबर्ट से कॉन्स एंड्र्यू नाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट हैं डेरी बेनेडिक्स से है पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलिवर हैं और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीती किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरेशा पाम पामर ने हुंग ने राहिल ग्रिफ, ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित हैं जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्राउंस फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम फिल्म वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनीम्स फिल्म पर मूड प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन है। वितरित किया गया लाइस लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने में। एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वेनिश में तीन सितंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकड़ सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सारिज को संयुक्त राज्य अमेरिका चार नवंबर दो हज़ार की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और ने गिब्सन के निर्देशन और गारफिल्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिबसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सरिज को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कारों और नामांकन प्राप्त हुई फिल्म को नवासीवें अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित छह औषकर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गार्फिल्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफिल्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताई बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया उन्नीस में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डे दे, डेसम्स डोस ने खरदुरपन के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवेटिस्ट एड़े, पालन घोषणा के हत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोस एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी सुट्टे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोस डोरोथी को चिकित्सा चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डोस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है डो सर्जेंट हो, हो की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में रखा गया है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं, नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण श्रम्य के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की इकाई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोवर और ओडेयर डोरोथी जेल के जेल में डोस से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तो उसे ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया जा सके लेकिन डोस अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डेरोती विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवेंटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहत देगी जिसमें मा जिसमें माइडा इसके इसके परमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस इक्वाडमेंट इसमाइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने सा इसमाइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इसमाइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावर किया और अमेरिकों को को ढलान के भाग दिया इसमेटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी, उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस डोस होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर ने डोस को मान्यताओं को कार्यता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिज पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है, है कि लेकिन जब तक वे अपनी सब प्रार्थना प्रार्थना पर समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाई गई हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काटकर ग्लोवर और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने अपने डेरोथी ने उसे जो बलिदान दी थी, थी उसे पढ़ उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर स्क्च करती है जो एक दिखाई गई है कि डोस को हक्सरिज में सेवेंटी फाइव सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रोमैंस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था साथ ही डोस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटोज युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं फैंकना में बताया जाता है कि डो डेसमंट डोस के रूप में एंड्रयू ने ने नि, किरदार एक्सरेज मूवी के फैक्टर रिव्यू एक्सरेज मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्रयू नाइट्स और रॉबर्ट से कॉन द्वारा लिखी 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनिडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित दीवियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेसमस डोस के द्वितीय युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी सन्तीवादी मुका मुकाबला चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेटिस्ट सी ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्निहत् को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्य अपेक्षाकर्ता बने जो ओकी नावा की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर हुगो वी, राचेल ग्रिस ग्रि, ग्रिफि और विनस वॉन के साथ एंडियो गार्ली गारफिल्ड्स डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कर्पेटकथा रॉबर्ट से कॉन्स एंड यूनाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट हैं डेरी बेनेडिक्स डिक्स हैं पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलिवर हैं और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीती किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरेशा पाम पामर ने हुंग ने ग्रिफिस ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित है जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्रा, क्रांस फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पौन्ट्स मोनियम्स फिल्म परमोट प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन है वितरित किया गया लाइसन लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वेनिश में तीन सितंबर 2016, 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकर सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सर रिज को संयुक्त राज्य अमेरिका उ, के चार नंबर 2016 की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और गिब्बस ने गिब्सन के निर्देशन और गारफील्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिबसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सरिज को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कारों और नामांकन प्राप्त हुई फिल्म को नवासीवें अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित छह औष्कर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गार्फिल्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफिल्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताई ने, बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया उन्नीस में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डे दे, डेसम्स डोस ने खर के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवेटिस्ट एड़े, पालन घोषणा की हत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोस एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी छुट्टे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोस डोरोथी को चिकित्सा चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डोस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट होवेल हो की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में रखा है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण श्रमी के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की इकाई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोवर और डे डर, डर, जेल के जेल में डोस से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब ता उसे ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया जा सके लेकिन डोस अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डैरो विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवेंटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा नावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहत देगी जिसमें माई, जिसमें माइडा इसके, इसके परमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस एक्वाडमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने इस्माइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावार किया और अमेरिकों को को ढलान के भाग दिया इसमिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस डोस हो, होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर डोस को मान्यताओं को कार्यता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिज पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है, है कि लेकिन जब तक वे अपनी सब की प्रार्थना पर समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाई गई हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काट कर ग्लोवर गुल, और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने अपने डैरोथी ने उसे जो बलिदान दी थी उसे उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर इस करती है जो एक दिखाई गई है कि डोस को हक्सा में सेवेंटी सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रोमेंस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था साथ ही डोस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटोज युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं फैंकना में बताया जाता है कि डो डेसमंट डोस के रूप में एंड्रयू ने ने किरदार एक्सरेज मूवी के फैक्टोर रिव्यू एक्सरेज मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्रयू नाइट्स और रॉबर्ट सेक्स कॉन द्वारा लिखी 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनेडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित दंसिफियासीवियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेसमस डोस के द्वितीय युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी सेंतिवादी मुका मुकाबला चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेटिस्ट सी ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्नेस्त्र को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर द सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्य अपेक्षाकर्ता बने जो ओकीनावा की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर होगो विविंग्स वी, रांचल ग्रिफि और विनस वॉन के साथ एंड्री गार्ली गारफिल्ड्स डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कथा रॉबर्ट से कॉन्स एंड्र्यू नाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट हैं डेरी बेनेडिक्स से पोल करी है ब्रूस डेवी हैं ब्रैन ओलिवर हैं और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीति किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरेशा पाम पामर ने हुगोविविंग ने राहिल ग्रिफ, ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित है जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्रा, फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनियम्स फिल्म पर मूट प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन है वितरित किया गया लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने में। एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वैनिश में तीन सितंबर 20, 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का तो था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकर सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सर रिस को संयुक्त राज्य अमेरिका के चार नंबर 2016 की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और गिब्बस ने गिब्सन के निर्देशन और गारफिल्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिबसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सरिज को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कारों और नामांकन प्राप्त हुए फिल्म को नवासीवे अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र शहीद छह औषकर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गार्फिल्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताई ने, बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया उन्नीस में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डेसमंडस दे, डोस ने खरदूरेपन के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवे एडवेटिस्ट पालन घोषणा की हत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोश एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी सुट्टे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोश डोरोथी को चिकित्सा चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डोस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट होवेल हो की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में रखा है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण श्रमी के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की कई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोवर और डे डोरोथी जेल के जेल में डोस से मिलने जाते हैं और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तो उसे ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया जा सके लेकिन डोस अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डेरोथी विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवनटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा नावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहत देगी जिसमें माई, जिसमें माइडा इसके इस्केपरमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस अपनेमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने इस्माइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावर किया और अमेरिकों को ढलान को के भाग दिया शमिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस डोस होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर डोस को मान्यताओं को कार्यता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिज पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है, है कि लेकिन जब तक वे अपनी सब की प्रार्थना प्रथा प्रार्थना समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाई गई हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काट कर ग्लोवर गुल, और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया है लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने, ने उसे जो बलिदान दी थी उसे उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर स्क्च करती है जो एक दिखाई गई है कि डोस को हक्सरिज में सेवेंटी फाइव सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रूमेंस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था साथ ही डोस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटोज युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं में बताया जाता है कि डेसमंट डोस के रूप में एंड्रयू ने एंड्रू गर्लफ्रेंडरिज मूवी के फैक्टोर रिव्यू मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्रू नाइट्स और रॉबर्ट से कॉन्स द्वारा लिखी 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनेडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित द सीरियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेसमस डोस के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी मुका मुकाबला चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेटिस्ट सी ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्नि यात्र को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्यनिष्ठ अपेक्षाकर्ता बने जो ओकिनावा की, की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर होगो विविंग्स वी, ग्रिस ग्रिफि और विनस वॉन के हाँ साथ एंडियो गार्ली गारफिल्ड डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कथा रॉबर्ट से कॉन्स यूनाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट है डेरी बेनेडिक्स से है पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलिवर हैं और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीति किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरेशा पाम पामर ने हुंग ने राहल ग्रिफ, ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित है जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्रा, क्रांस फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम फिल्म वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनीम्स फिल्म पर मूड प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन है। वितरित किया गया लाइस लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने में। एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वेनिश में तीन सितंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकड़ सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सरिस को संयुक्त राज्य अमेरिका चार नवंबर दो हज़ार की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और गिब्बस ने गिब्सन के निर्देशन और गारफिल्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिब्बसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सर को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुई फिल्म को वे अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित छह औषकर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गार्फिल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफिल्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताई ने, बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया उन्नीस में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डेसम्स दे, डोस ने खरदूरेपन के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवे एडवेटिस्ट पालन घोषणा की हत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोश एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी छुट्टे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोस डोरोथी को चिकित्सा चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डॉस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट हो होवेल की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में इस रखा है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण में के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की इकाई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोवर और डे जेल के जेल में डोस से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तो उसे ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया जा सके लेकिन डोस अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवेंटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा नावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहत देगी जिसमें माई जिसमें माइडा इसके स्केपमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस एक्वाडमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने सा इस्माइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावार किया और अमेरिकों को को ढलान के भाग दिया इसमिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने उन्होंने मर्त घोषित कर दिया गया था नीचे की बाकी इकाई के लिए एक झटके में रूप में आता है जब दिन टूटता है तो डोस डोस हो, होवेल को बचाता है और दोनों दुश्मनों की आग के नीचे हेक्सा से बच जाते हैं कैप्टन ग्लोवर ने डोस को मान्यताओं को कार्यता के रूप में खारिज करने के लिए माफी मांगी और कहा है कि वे शनिवार को रिस पर फिर से कब्जा करने करने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगला हमला शुरू नहीं करेंगे डोस सहमत है, है कि लेकिन जब तक वे अपने सब की प्रार्थना प्रथा प्रार्थना पर समाप्त नहीं कर लेते तब तक वे ऑपरेशन में देरी हो जाती है सुदृष्टिकरण के लिए लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण करने का नाटक करने वाले जापानी सैनिकों द्वारा लगाई गई हमले में डोस दुश्मन के हाथ गोले को काट कर गोल ग्लोवर और अन्य लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है ग्रेनेड विस्फोटक से डोस घायल हो गया है लेकिन लड़ाई जीत ली गई है डेरोथी ने, ने उसे जो बलिदान दी थी उसे उसे पकड़कर चट्टान से डोस को नीचे उतारा गया है और फिल्म वास्तविक में तस्वीरों और फुटेज पर स्क्विश करती है जो एक दिखाई गई है कि डॉस को हक्सारिस में 75 सैनिकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति हैरियस ट्रूमैनस द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर्स से सम्मानित किया गया था साथ ही डॉस की मृत्यु से ठीक पहले के वास्तविक जीवन के फोटो युद्ध के दौरान अपने अनुभव की याद करते हुए हैं फैंकना में बताया जाता है कि डॉ डेसमंट डोस के रूप में ने गर्लफ्रेंड किरदार एक्सरेज मूवी के फैक्टोर रिव्यू एक्सरेज मेल गिब्बस द्वारा निर्देशित और एंड्री नाइट्स और रॉबर्ट सेक्स कॉन्स द्वारा लिखी 2016 की एक जीवनी युद्ध फिल्म है जो टैरी बेनेडिक्स द्वारा निर्देशित 2004 की वृत्त चित्रित द कंसिफियासीवियस ऑब्जेक्ट पर आधारित है फिल्म डेस्मस डोस के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों पर केंद्रित है और अमेरिकी सन्तीवादी मुका मुकाबला चिकित्सक जो सातवें दिन के एडवेटिस्ट सी ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार के हथियार पर अग्निहत् को ले जाने का उपयोग करने से इनकार कर दिया था डोस मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले कर्तव्यनिष्ठ अपेक्षाकर्ता बने जो ओकिनावा की लड़ाई के दौरान करते हुए की पुकार के ऊपर और परे सेवा के लिए सेम वर्थिंगटन ल्यूक बैरिस और टेरेशा पामर हुगो वी, राचेल ग्रिस ग्रि, ग्रिफि और विनस वॉन के साथ एंडियो गार्ली गारफिल्ड्स डोस के रूप में सहायक भूमिकाओं में नजर आए फिल्म का निर्देशक मेल गिब्बस ने गिब्सन ने किया है फिल्म की कर्पेटकथा रॉबर्ट से कॉन्स यूनाइट्स ने की है फिल्म आधारित है टेरी बेनिडिक्स द्वारा ईमानदार आपत्ति निर्माता है बिल मैकेनिक्स द्वारा डेविड परमूट हैं डेरी बेनेडिक्स डिक्स हैं पोल करी है ब्रूस डेवी है ब्रैन ओलिवर हैं और विलियम डी जॉनसन है फिल्म की अभिनीति किया है एंड्रयू गारफिल्ड्स ने सेम वर्थिंगटन ने ल्यूक ब्रेशी ने टेरेशा पाम पामर ने हुंग ने राहल ग्रिफ, ग्रिफिस्थस और विंस वॉन छायांकन दिया है साइमन दुग्गन का संपादित है जॉन गिब्बस गिलबर्ट्स द्वारा संगीत दिए गए रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स द्वारा उत्पादन कंपनी समिट इंटरटेनमेंट क्रा, क्रांस फ्रिक फिक्चर्स डमरेस्ट मीडिया अर्जेंटीना चित्र आई आई एम ग्लोबल्स आई एम वेस्टियन एंटरटेनमेंट्स काइलिन पिक्चर्स और पोन्ट्स मोनियम्स फिल्म पर मूड प्रस्तुतियों द्वारा उत्पादन वितरित किया गया लाइसन लायंस गेट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आइकन फिल्म वितरण द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एलिवेशन पिक्चर्स कनाडा में और आईएम एम ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में रिलीज हुई सितंबर चार दो हज़ार सोलह को वेनिश में तीन सितंबर 2016 को ऑस्ट्रेलिया में चार नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 40 मिलियन डॉलर का था और फिल्म ने संयुक्त बॉक्स ऑफिस में एक मिलियन डॉलर की कमाई की फिल्मांकर सितंबर से छः दिसंबर 2015 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैक्सर रिज को संयुक्त राज्य अमेरिका के चार नंबर 2016 की रिलीज किया गया था चार नवंबर को 2016 को रिलीज होने के बाद जिसने दुनिया भर में एक मिलियन की कमाई की और गिब्बस ने गिब्सन के निर्देशन और गारफील्ड के प्रदर्शन को विशेष रूप से प्रशंसा अर्जित करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई इसके इसे व्यापक रूप से गिबसन की फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया था जिसने कैरियर में कई विवादों के बाद गिरावट आई थी और हैक्स सरिज को अमेरिकी फिल्म स्थान संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष द फिल्म में से एक के रूप में चुना गया था और इसे कई पुरस्कारों और नामांकन प्राप्त हुई फिल्म को नवासीवें अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित छह औष्कर नामांकित प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गार्फिल्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि उत्संपादन सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लो नामांकन और बारह ए ए सी टी एफ पुरस्कार नामांकन से प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित अधिकांश पुरस्कार जीते गारफिल्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताई ने, बुनाई के लिए दिए गए भूखंड में देखा गया उन्नीस में लिचबर्ग वर्जीनिया युवा डे दे, डेसम्स ने खर के दौरान अपने भाई को लगभग मार डाला था उसे घटना और उसके सातवें दिन के एडवेटिस्ट एड़े, पालन घोषणा तू हत्या नहीं करेगा आज्ञा से डेसमंड दे, के विश्वास को मजबूत किया पंद्रह साल बाद डोस एक घायल आदमी को अस्पताल में ले जाता है और एक नर्स डोरोथी छुट्टे से मिलता है और वह रोमांस पर प्रहार करता है और डोस डोरोथी को चिकित्सा चिकित्सा कार्यों में अपनी रुचि के बारे में बताता है पल हर्बल पर अपनी जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आ जाता है और डोस संयुक्त राज्य अमेरिका को सेना में एक लड़ाकू दावा के रूप में काम करता है उसके पिता टॉम्स प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी के अनुभवी थे इसी पहले फैसले से वे बहुत परेशान है कि डेस देस्म, डेसमंड और डोरोथी की सगाई हो जाती है सर्जेंट हो होवेल की कमान में डोस को बुनियादी परीक्षण में रखा है और वह शारीरिक रूप से उत्कृष्ट है लेकिन शनिवार शनिवार को राइफल के ट्रेन में संभालने से इनकार करने के कारण वह अपने साथियों के बीच एक अछूत बन जाता है होवेल होवेल और कैप्टन ग्लोवर धारा आठ के तहत मनोरोग संबंधी कारणों से डोस को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि डोस के धार्मिक विश्वास मानसिक बीमारी का गठन नहीं मान नहीं करते वे बाद में डोस को एक बाहर को बाहर निकालने का इरादा करते रखते हुए भीषण श्रमी के माध्यम से डोस को पीटा देते हैं और एक रात अपने साथी सैनिकों द्वारा पीटे जाने के बावजूद वह अपने अपने उसने अपने हवलदारों को पहचानने का इनकार कर दिया डोस की इकाई बुनियादी परीक्षण पूरा कर जाती है और इसे छुट्टी पर छोड़ दिया जाता है जिस दौरान डोस डोरोथी से शादी करने का इरादा करता है लेकिन उसके हथियार ले जाने के इनकार करने पर अवज्ञा के लिए गिरफ्तारी हो जाती है और कैप्टन ग्लोवर और डे जेल के जेल में डोस से मिलने जाते और उसे दोषी मानने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब ता उसे ताकि उसे बिना आरोप के रिहा कर दिया जा सके लेकिन डोस अपने विश्वास को से समझौता करने से इनकार कर देता है और अपने कोर्ट मार्शल में डोस ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया लेकिन सजा सुनाई जाने से पहले उसके पिता अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर अब एक ब्रिगेडियर जनरल है वे एक पत्र के साथ ट्रिब्यूनल में घुस गए और जिस जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के शांतिवाद अमेरिकी संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित सर, है डोस के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं और वह एक डैरो विवाहित हैं डोस की इकाई को सेवेंटी सेवन वे इन्फेंट्री डिवीज़न को सौंपा गया था और वे प्रशांत थिएटर में तैनात किया गया था ओकिनावा नावा में लड़ाई के दौरान डोस की इकाई नाइन्टी सिक्स वे इन्फेंट्री डिवीज़न को राहत देगी जिसमें माई, जिसमें माइडा इसके, इसके परमेंट्स पर चढ़ने से चढ़ने और सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था शुरुआती लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ डोस ने अपना सम्मान अर्जित करते हुए अपने इस इक्वाडमेंट इस्माइली की जान बचाई जैसा कि अमेरिकी रात के लिए डेरा के लिए डेरा डालते हैं डोस ने इस्माइली को बताया कि बंदूक रखने के लिए उसका विरोध उसके शराबी पिता को लगभग गोली मारने से उपजा है और उनकी मां को बंदूक से धमकाया था इस्माइली ने अपने साहस और साहस पर संदेह करने के लिए माफ़ी मांगी और दोनों से सुलह हो गई अगली सुबह जापानियों ने बड़े पैमाने पर पलटावार किया और अमेरिकों को ढलान को के भाग दिया इसमिटी मारा जाता है और हवेल और डोस की कई साथी युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं डोस मरने वाले सैनिकों की चीखें सुनता है और उन्हें बचाने के लिए लौटता है घायलों और इस्माइली के शरीर को चट्टान के किनारे तक ले जाता है और उसे एक रस्सी से नीचे गिरा देता है बार बार ऐसे बचाने के प्रयास करता है और और दर्जनों घायलों का आगमन जी उन्होंने